प्रदेश के नसीराबाद में उपखंड कार्यालय में कार्यवाही करते हुए उपखंड अधिकारी के रीडर गिरिराज सैनी को रीडर को 9000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी के मुताबिक पकड़े गए रीडर ने एक मामले में विपक्षी पार्टी को पाबंद करने के लिए परिवादी से यह रिश्वत की रकम मांगी थी। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप अधीक्षक प्रभुलाल कुमावत ने बताया कि नसीराबाद रोड वीर चौराहे के निकट स्थित लव गार्डन रेस्टोरेंट के गणपत सिंह रावत ने एसीबी में शिकायत की थी कि 7 जून 2022 को उपखंड कार्यालय में अलग अलग सीआरपीसी की धाराओं में बीरम सिंह समेत 9 व्यक्तियों के खिलाफ अधिवक्ता के जरिए एक परिवाद पेश किया गया था, जिसमें विपक्षी पार्टी को पाबंद करवाने की एवज में आरोपी रीडर गिरिराज सैनी ने 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि मांग रहा था, जिसमें से 1,000 रुपए वह पूर्व में ही ले चुका था। शेष 9,000 रुपए की रिश्वत राशि परिवादी से लेते हुए एसीबी ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में 1/10/2021 को इस्तीफे दे रखा था, उसके बावजूद नेक्स्ट पार्टी जिसके विरुद्ध मैंने इस्तीफा किया है वो सुरेश सिंह जी के जीजा होने के कारण एसडीएम ऑफिस में आए दिन प्रेशर, एमएलए विधायक सुरेश सिंह रावत का प्रेशर डलवा के मेरे किसी भी तरह की कार्रवाई में अड़चन डालते हैं। इस कारण एसडीएम साहब के यहाँ मुझे 1/10 को स्टे मिल गया। उसके बाद में अभी मेरी जिस स्टे पे स्टे मिला, जिस जमीन पे, उसके खिलाफ उसके पक्ष में उसी जमीन का फिर दोबारा हमारे पास परिवादी आया था, गणपत सिंह यहाँ का है, उसके कोई 107 116 में इस्तगासा दायर किया था एसडीएम साहब के यहाँ पे। तो रीडर ने इस्तगासे पे कार्रवाई करने के लिए उससे 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, तो उसमें से सत्यापन के तौर पर 1,000 रुपये प्राप्त किए और आज उसको 9,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सर, इसमें और भी कोई लिप्तता पाई गई या नहीं? और किसी की लिप्तता नहीं पाई गई। अभी गिरिराज का नाम क्या था? गिरिराज प्रसाद सैनी है, एसडीएम साहब के रीडर है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी है नसीराबाद के। गिरफ्तार कर रहे हैं? हाँ, गिरफ्तार किया जा रहा है।